I start to sail on these ocean waves. Nobody knows, nobody knows how to find us. What's up guys, I hope you are all absolutely good and fine. Today I am going to show you how can you add cinematic black bar open and close effect in Filmora 9 easily. Keep watching the video till the end without wasting any time. Let's start the video. We could disappear into this atmosphere where there's water. At first, you should open Filmora 9 timeline. And नेक्स्ट थिंग आपको जो वीडियो पे ये ब्लैक बार इफेक्ट देना है वो वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना चाहिए. मैं मेरे हिसाब से एक डाउनलोड किया हुआ वीडियो इम्पोर्ट कर लिया. द नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट द वीडियो इन द लेयर ऑफ फिल्मोरा 9. मैक्सिमम सेटिंग में इम्पोर्ट कर लेता हूँ. टाइमलाइन को मैं एडजस्ट कर लिया. उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए कि पूरा वीडियो में मैं ये ब्लैक बार स्क्रीन इफेक्ट नहीं दूंगा, तो मैं इधर से इतना तक कट किया. उसके बाद एक कट किया वीडियो के पहले के ऊपर राइट क्लिक करिए. राइट क्लिक करने के बाद गो टू क्रॉप एंड जूम, गो टू पैन एंड जूम, देन आपको अंदर का बॉक्स क्लिक करना है या तो सिलेक्ट करना है. दो बॉक्स दिख रहा है, एक बाहर का बॉक्स एक अंदर का बॉक्स. आप ये क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो नीचे में एक ऑप्शन है बाहर का सिलेक्ट करने का और अंदर का सिलेक्ट करने का, तो आपको अंदर का सिलेक्ट करना है. उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि रेशियो बोल के एक ऑप्शन है, वो रेशियो ऑप्शन में क्लिक करके आपको कस्टम में क्लिक कर देना चाहिए. उसके बाद माउस पॉइंटर को ड्रैग करके आप पैरेलली दोनों तरफ से ड्रैग किए. आप लोग देखिए कि मैं दोनों तरफ से 16:9 को पूरा ड्रैग किया. उसके बाद नीचे से ड्रैग करके पूरा छोटा कर दीजिए और जो छोटा रेक्टेंगल आपको दिख रहा है उसको मिडिल में लाने को कोशिश कीजिए. दिस एग्जैक्टली फिट्स इन द मिडिल. एंड देन आप राइट साइड में बॉटम में रिवर्स में क्लिक कीजिए. उसके बाद आप ओके कर दीजिए, स्टॉप कीजिए, प्ले द वीडियो. दिस गोना शो यू द सिनेमैटिक ओपन ब्लैक बार इन योर वीडियो. आप अगर इसके बाद रिवर्स ब्लैक बार इफेक्ट देना चाहते हो, मैं मान लीजिए कि इसके बाद थोड़ा टाइम बाद मैं रिवर्स इफेक्ट देना चाहता हूँ, तो उसके बाद पॉज कीजिए. मैं मान लीजिए कि इधर रिवर्स ब्लैक इफेक्ट देना चाहता हूँ, उसके बाद इसको कट कीजिए और कट किया हुआ जो बाद बाकी वीडियो है उसमें राइट क्लिक कीजिए, क्रॉप एंड जूम, देन गो टू पैन एंड जूम, एंड देन क्रिएट द सेम प्रोसेस. Click on the ratio to custom, stretch horizontally and make it a small rectangle and position it to the middle. This exactly fits. And then don't click on the reverse, click on OK and then play from the first. This gonna show you the black bar open and as well as close effect in your video. आप अपने पहले जो ब्लैक बार ओपन का ड्यूरेशन है इसके साथ लास्ट वाला ब्लैक बार ओपन का जो ड्यूरेशन है उसको मैच कर सकते हो. इस वीडियो को आप ऊपर तक लाइए और फर्स्ट वीडियो के साथ मैच कीजिए टाइम ड्यूरेशन के साथ. उसके बाद उस वीडियो को फिर से वही टाइमलाइन में दे दीजिए और फिर से फर्स्ट से आप वीडियो को प्ले कीजिए.
So that is how you create a black bar open and close cinematic effect in your project. अगर आप ऊपर में जो सिनेमैटिक इफेक्ट में देखा जाता है कि ऊपर में दोनों तरफ से ब्लैक बार आप रखना चाहते हो, तो आप एक काम कीजिए, फिल्मोरा में इफेक्ट में जाइए, सिनेमा सर्च कीजिए, उसके बाद आप देखिए एक ऑप्शन मिलेगा सिनेमा 21:9, उसको इफेक्ट को ड्रैग करके इस वीडियो के ऊपर लेयर में दीजिए और वीडियो के सेम ड्यूरेशन में इसको स्ट्रेच कीजिए और फिर से प्ले कीजिए। ये देखिए ऊपर से ब्लैक बार जो है वो जो सिनेमा में आपको दिखता है वो भी यहां पर है। सो इस तरह से आप इजीली फिल्मोरा 9 पे सिनेमैटिक ओपन एंड क्लोज ब्लैक बार इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। So pretty much for now, see you in the next time with the next video effect. Keep loving, keep supporting, keep subscribe my channel Only Cinematic. See something cinematic, see something new. Bye bye, take care. I know that you are afraid, it feels like every day things are slipping away, you're slipping away.